हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड वाटर सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉइल के बारे में, तो सॉइल के प्रोफाइल एंड फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिस्कशन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे उसके बारे में कौन कौन से मेजर्स आज डिस्कस करेंगे। सो सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल ख़राब होता है, डिग्रेड होता है, उसके लिए दोनों फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है ह्यूमन फैक्टर, दूसरा होता है नेचुरल फैक्टर। तो फैक्टर्स व्हिच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइडर्स एंड फ्लॉड्स। तो जो जो फैक्टर्स मिट्टी के डिग्रेड होने के लिए या फिर सॉइल ख़राब होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो सभी हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को काटना, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग, जो हम लोग एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, उनको ज़्यादा टाइम तक ग्रेज कराने के लिए दे देते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो ग्रास होते हैं वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ख़राब होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स को कीड़े ना लगे उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड या फिर जो फर्टिलाइजर्स है उसको भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, तो रेन वॉश बहुत ज़्यादा रेन होता है, बारिश होता है, तो उसके वजह से भी मिट्टी धो जाता है। लैंडस्लाइड्स, जब बारिश ज़्यादा होता है तो मिट्टी का बड़ा बड़ा बहुत सारा मिट्टी का जो टुकड़ा होता है वो एक साथ धस जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। एंड फ्लॉड्स, या फिर जो बारिश ज़्यादा होता है तो फ्लॉड्स आते हैं, बाढ़ आते हैं। तो इन सभी रीजन की वजह से सॉइल डिग्रेड होता है। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ कुछ जो मेथड्स है सॉइल को कंजर्व करने के लिए वो नीचे दिया गया है। उनमें से फर्स्ट में आता है मुल्चिंग। तो मुल्चिंग द मतलब होता है द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो मुल्चिंग में क्या किया जाता है, जो बेयर ग्राउंड होता है, जो खाली जमीन होता है, उसमें प्लांट्स को कवर किया जाता है, जो लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसकी स्ट्रॉ होता है, ग्रास होता है, या फिर पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स के ब्रांचेस होते हैं, उसको मिट्टी के ऊपर कवर कर दिया जाता है, जो कि मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंड में आता है कंटूर बैरियर। तो कंटूर बैरियर का मतलब होता है स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो इसमें क्या होता है, स्टोन, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, जो ग्रास होते हैं, घास, उन सभी को कंटूर बैरियर का जो लाइन होता है उसमें बिल्डअप किया जाता है एज ए बैरियर। उनको साइड में बाउंड्री के जैसे बैरियर क्रिएट किया जाता है और उसके नीचे ट्रेंचेस, मतलब जो गड्ढा जो है वो खोद दिया जाता है ताकि वहाँ पे पानी जमा हो सके। थर्ड में आता है रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो रॉक डैम का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर को एक साथ एक जगह पे पाइल्ड अप करना, मतलब उसको जमा करना और उसको डैम बनवाना, ताकि जो पानी का बहाव है, जब बारिश ज़्यादा होता है या फिर रिवर का जो फ्लो होता है वो उसका स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से मिट्टी का धो जाना या फिर जो गली इरोजन होता है वो कम हो जाता है। फोर्थ में आता है टेरेस फार्मिंग। सो टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप स्लीप्स सो दैट फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो जो टेरेस फार्मिंग होता है वो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे उसको किया जाता है। तो इसमें पहाड़ को टेरेस लाइक फीचर दिया जाता है, उसको स्टेप जो सीढ़ी होता है उस तरह का फीचर्स उसको बनाया जाता है और उसी टेरेस पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इसके वजह से जो पानी का स्पीड है या फिर जब पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो टेरेस में एक एक करके टेरेस पे वो गिर के जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से मिट्टी का इरोज होना भी कम होता है। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। सो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है अल्टरनेट रोज पे, मतलब एक रो पे अगर गेहूं किया जाता है तो दूसरे रो पे कुछ वेजिटेबल्स हम लोग कर सकते हैं, फिर एक रो में हम लोग कोई एक क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स को हम लोग अल्टरनेट रो पे ग्रो कर सकते हैं एंड एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग
क्रॉप्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो जो रेन वॉश होता है, ज़्यादा बारिश होता है तो उससे वो सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कंटूर प्लोइंग। सो कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो कंटूर प्लोइंग भी वही हिल एरिया में, हिली एरिया में होता है। तो कंटूर प्लोइंग जो कि यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में दिखाया गया है, तो जो हिल स्लोप होता है, हिल स्लोप से पैरेलल होके प्लोइंग करना, मतलब जो क्रॉप्स होता है उसको ग्रो करना, जो कि कंटूर लाइन जो स्लोप होता है पहाड़ियों का, उसी स्लोप से पैरेलल होके नीचे की और क्रॉप्स को ग्रो करने को बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। तो इससे क्या होता है, एक नेचुरल बैरियर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि पानी अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसका स्पीड जो है कम हो जाता है। देन लास्ट में आता है शेल्टर बेल्ट। सो इन द कोस्टल इन द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देखो यहाँ पिक्चर में देख सकते हो शेल्टर बेल्ट कैसे बहुत सारे पेड़ को एक ही रो में ग्रो किया गया है, ताकि जब विंड जोर से बहे या फिर तेज हवा चले तो ये जो पेड़ है उसमें वो उसको एज ए बैरियर रोक देते हैं, जो विंड का स्पीड है ये सब पेड़ विंड के स्पीड को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल कवर है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये सभी था सॉइल के कंजर्वेशन के मेजर्स।